हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को अभी चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, जितने भी वीडियो बनेंगे आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक आपको मिल जाएगी। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप जानते हो किसी भी प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले उस प्रश्नावली की बेसिक बातें जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन उस प्रश्नावली में आते हैं, तो प्रश्नावली तुरंत सॉल्व हो जाती है। तो इस प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस प्रश्नावली में अवयवों पर संक्रियाओं वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी अवयवों पर कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं। जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वैसे अवयवों का भी जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, जिसको हम कहते हैं अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है, देखें यहाँ पर हेडिंग हमने लगाई है अवयवों पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं, अवयवों का योग कब संभव होता है, अवयवों का योग ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपको अवयव दे दिया जाए ए इक्वल टू ए बी सी डी, और एक अवयव आपको बी दे दिया जाए 1 2 3 4, दो अवयव दे दिए गए, इनका योग यानी a प्लस बी कब संभव है और कब नहीं संभव है, इन दोनों अवयवों का योग हम कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, इसकी कंडीशन ये है कि दोनों अवयव सेम ऑर्डर के होंगे तभी उनको जोड़ा जा सकता है और तभी उनका घटाव यानी उनका अंतर भी किया जा सकता है। तो जब दो अवयवों को जोड़ना होगा घटाना होगा तो सबसे पहले उन दोनों अवयवों की हमें कोटि पता होना चाहिए, यानी ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि जो अवयव है उस अवयव में सबसे पहले हम रो की संख्या देखेंगे, उसके बाद हम कॉलम की संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो अवयव ए में दो रो और दो कॉलम, यानी ये दो क्रॉस दो ऑर्डर का अवयव है। इसमें भी अगर देखें तो दो रो और दो कॉलम यानी दो क्रॉस दो ऑर्डर का है, क्योंकि दोनों अवयवों के जो ऑर्डर हैं वो सेम है, इस वजह से इन अवयवों का योग और अंतर किया जा सकता है। तो योग जैसे अगर हमें करना है इन दोनों अवयवों का, ठीक है, तो योग कैसे करेंगे, जैसे ए प्लस बी हमें निकालना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए अवयव लिखा है उसको लिख लेंगे ए बी सी डी, उसके बाद बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, हमें योग करना है। उसके बाद बी अवयव लिखेंगे 1 2 3 4। अब हमें ए प्लस बी का अगर मान निकालना है तो हमें एक अवयव बनाएंगे और संगत अवयव जोड़ेंगे, संगत अवयव, जैसे ए इस अवयव के संगत दूसरे अवयव का जो अवयव होगा वो 1 होगा, यानी ए को हम 1 के साथ जोड़ेंगे, और बी के संगत अवयव ये होगा यानी बी को हम 2 के साथ जोड़ेंगे, सी को हम 3 के साथ जोड़ेंगे, है ना, और डी को हम 4 के साथ जोड़ेंगे, डी प्लस 4। तो इस तरीके से हम क्या किए, दोनों अवयवों का योग ज्ञात कर लिए। इसी तरीके से अंतर ज्ञात करना होगा तो माइनस चिन्ह लग जाएगा बस। ठीक है, तो दो अवयवों का योग और अंतर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो दोनों अवयव सेम ऑर्डर के हैं या नहीं। जब तक समान ऑर्डर के नहीं होंगे यानी समान कोटि के नहीं होंगे तब तक उनका योग व अंतर नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका पहली संक्रिया समझ में आ गई होगी, योग, और यहाँ पर आप घटाव करके भी डाल सकते हो, तथा घटाव कब संभव है मैंने स्थिति आपको बता दी है, इस पर क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं अवयवों पर संक्रिया नंबर 2, जोड़ घटाव हो गया। संक्रिया दूसरी की एक अवयव का एक अदिश से गुणा, ठीक है, जैसे आप किसी संख्या को गुणा करते हो, एक कोई संख्या है 3, इसको 3 से गुणा कर दिए 3 3 9 हो गया, वैसे अवयव को भी किसी एक संख्या से हम गुणा करेंगे तो अवयव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। एक अवयव हम मानकर चलते हैं कि माना हमारा एक अवयव है, माना एक अवयव ए है, ठीक है, 1 2 4 5, दो क्रॉस दो ऑर्डर का एक हमारा अवयव है। बोला जाए कि 3a की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी जो अवयव a था उसको एक अदिश से हमने गुणा किया, तो गुणा करेंगे तो हम अवयव के प्रत्येक एलिमेंट से करेंगे या रो या कॉलम से कैसे करेंगे। तो जब एक अवयव का किसी एक अदिश से गुणा कराया जाता है तो अवयव के अंदर उपस्थित जितने एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट से गुणा कराया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमें 3a का मान ज्ञात करना है तो हम 3 का मल्टीप्लाई अवयव के अंदर उपस्थित जितने एलिमेंट हैं सबसे करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 4 से करेंगे 12, 5 से करेंगे 15। इस तरीके से
किसी आव्यूह का एक अदिश से गुणा किया जाता है, यानी किसी आव्यूह को किसी एक अदिश से या किसी एक संख्या से गुणा करोगे तो आव्यूह के अंदर उपस्थित जितने एलिमेंट होंगे सारी एलिमेंट से गुणा होगा, ठीक है। जबकि सारणिक में ऐसा नियम नहीं है, अभी मैं सारणिक चैप्टर भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ये समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों का जैसे एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा करना है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ जोड़ दिखाना है तो क्या कंडीशन होती है, क्या स्थिति होती है, वैसे एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ गुणा करना है तो क्या स्थिति होती है, ठीक। इसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, देखिए अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू बी प्लस ए के बराबर होगी, ठीक है। चाहे आप ए में बी जोड़ो आव्यूह, चाहे बी में ए जोड़ो, ये आपस में सेम होगा। लेकिन अगर आव्यूह ए का मल्टीप्लाई आप आव्यूह बी इंटू ए कर रहे हो, यानी ए का पहले बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसके बाद बी का ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी। कहने का सीधा मतलब ये है कि आव्यूहों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आव्यूहों का गुणन कैसे किया जाता है, कब संभव है, क्या स्थिति होती है। मान लीजिए कि एक आव्यूह आपको दे दिया गया, एक आव्यूह दे दिया गया 1-1, 3, 2। इस आव्यूह में अगर हम देखें तो दो कॉलम है, दो रो है, और एक आव्यूह आपको दे दिया गया b=0, 1, 2, 1-1 और 3। इस आव्यूह में अगर हम देखें तो तीन स्तंभ हैं और दो रो हैं, यानी दो पंक्तियां हैं, ठीक है। तो क्या ए बी संभव है, पहले तो ये हम पता लगाएंगे कि क्या ए का बी के साथ गुणनफल संभव है या नहीं। तो गुणनफल संभव कब होता है उसकी स्थिति मैं लिख देता हूँ। स्थिति ये होती है कि आव्यूह ए का अगर आव्यूह बी से मल्टीप्लाई करना है तो आव्यूह ए में उपस्थित जो कॉलम की संख्या होनी चाहिए वो आव्यूह बी में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। स्थिति क्या होती है, आव्यूह ए में उपस्थित, आप लिखिए या ना लिखिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, में स्तंभों की जो संख्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या वो आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ये भैया आपकी कंडीशन होती है जब दो आव्यूहों का गुणनफल किया जाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, संतुष्ट हो रही है, तभी एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ गुणनफल किया जा सकता है, अन्यथा आपका गुणनफल संभव नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो हम आव्यूह ए में देख रहे हैं स्तंभों की संख्या कितनी है, दो है, और आव्यूह बी में हम क्या देखेंगे, पंक्तियों की संख्या, तो एक और दो, ठीक, एक और दो। तो मैं देख रहा हूँ कि दो स्तंभ बराबर दूसरे आव्यूह में दो पंक्तियों के बराबर है, इस वजह से ए और बी का गुणनफल क्या है भाई, संभव है, गुणनफल संभव है। अब गुणनफल करना कैसे है वो मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो हमने आपके सामने इस प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप अपनी किताब पर देख सकते हो, स्क्रीन पर भी लिख के आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है, एक आव्यूह सी है, जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ठीक। अगर ए बी सी तीन आपके आव्यूह हैं तो आप ज्ञात कीजिए ए प्लस बी, यानी आव्यूह ए को आव्यूह बी से आप ऐड कीजिए यानी जोड़िए। तो ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आव्यूह ए लिखेंगे, आव्यूह ए है आपका 2, 4, 3, 2, प्लस लगाएंगे, आव्यूह बी लिखेंगे, बी आव्यूह में दिया गया है 1, 3, -2, 5। मैंने कहा था हम दो आव्यूहों को कब जोड़ सकते हैं, जब वे समान ऑर्डर के हों। तो ये दोनों समान ऑर्डर के हैं, 2×2 का ये भी आव्यूह है और 2×2 का ये भी आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे, इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ लेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बीच में प्लस लगा, अगर माइनस लगा होता तो 2 के 1 से घटा देते हैं बस। 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 3 और से 2 घटाएंगे, देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 3 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बात समझ में आ गई।
इसी तरीके से अगले पार्ट में अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है और घटा देना है, ठीक है। ये तो हम निकाल ही लिया, a माइनस बी अगर निकालना तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे भाई, a माइनस बी इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, संगत अवयव को ही घटाना है। दो से आपका एक जाएगा तो आपका एक बचेगा, चार से आपका तीन जाएगा तो आपका एक बचेगा, तीन से आपका माइनस का दो जाएगा। ध्यान समझिए, तीन से जब आप घटाओगे माइनस का दो तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो तीन प्लस दो कितना हो जाएगा आपका, पाँच हो जाएगा, और दो से आपका पाँच जाएगा तो आपका माइनस का तीन बचेगा। तो इस तरीके से हमने ए माइनस बी का मान ज्ञात कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ए माइनस बी को भी अच्छे तरीके समझ लिया। अब दो अवयवों का जोड़ और घटाव आप कर सकते हो बहुत ही सरलता से, ठीक, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद तीसरे इष्टमेय पूछा जा रहा है कि आप बताइए 3a माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, 3a माइनस सी की वैल्यू। तो चलिए 3a माइनस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 3a माइनस सी, तो इसका मतलब ये है कि जो अवयव a है, अवयव a कितना दिया गया भाई, 2 4 3 2, इसको आप पहले 3 से गुणा करोगे उसके बाद c अवयव से माइनस करोगे, तो c की वैल्यू कितनी, माइनस 2 5 3 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3a माइनस सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 का गुणा हम प्रत्येक एलिमेंट से करेंगे, अवयव के अंदर जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट से हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 जो कितना हो जाएगा 12, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस करेंगे हम माइनस 2 5 3 4। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, एक अवयव बनाएंगे, 6 से हम माइनस करेंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 12 से 5 को माइनस करेंगे 7 बचेगा, 9 से 3 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6 से 4 को माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो इस तरीके से 3a माइनस सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर अगले पार्ट को देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है कि एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ मल्टीप्लीकेशन दिखाना है, यानी गुणनफल दिखाना है। तो चलिए उसको भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं, इसको यहाँ पर हम ग्राफ कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगले पार्ट में हमें क्या करना है, ए अवयव का बी अवयव के साथ मल्टीप्लाई दिखाना है। तो यहाँ पर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी, अवयव ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2 4 3 2, इंटू में अवयव बी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 1 3 -2 5। अवयव ए का अवयव बी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया कि दो अवयवों का गुणनफल कब संभव होता है, जब अवयव ए में उपस्थित स्तंभों की संख्या अवयव बी में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो अवयव ए में भाई 2 स्तंभ हैं और अवयव बी में 2 पंक्तियां हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अवयव ए में जो स्तंभों की संख्या है वो अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः ए बी संभव है, यानी ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो चलिए संभव है तो करते हैं, यहाँ पर ए इंटू बी निकालेंगे। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ए का बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो अवयव ए में आपको ऐसे पंक्ति खींचनी है और अवयव बी में स्तंभों पर ऐसे आपको जो है लाइनें खींचनी हैं, इससे आपका गुणनफल कभी भी गलत नहीं होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को, आपको क्या करना है, इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी अवयव हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति का पहला एलिमेंट आपका 2 है, तो यहाँ पर हम इस दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 2 का 1 से, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा भाई 2, उसके बाद लगाएंगे प्लस का चिन्ह, जोड़ना है आपको। फिर इस पंक्ति में दूसरा अवयव आपका 4 है और इस स्तंभ में आपका दूसरा अवयव 2 है, तो 4 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इस पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली रो का जो पहला एलिमेंट है 2 और जो स्तंभ है आपका उसका पहला एलिमेंट है 3, तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। इस पंक्ति का जो दूसरा एलिमेंट 4 है और इस स्तंभ का जो दूसरा एलिमेंट है वो 5 है, 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। बात समझ में आई, इस प्रकार मैंने क्या किया कि अवयव ए की पहली पंक्ति का अवयव बी के दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3 का 1 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 1 3, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे। 2 का देखिए, यहाँ पर इस पंक्ति का जो दूसरा एलिमेंट है वो 2 है और इस स्तंभ का जो दूसरा एलिमेंट है वो -2 है,
टू और माइनस टू का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का फोर हो जाएगा। बात समझ आई? इसी प्रकार अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से दिखाएंगे, जितने स्तंभ होते हैं सारे स्तंभों से हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही स्तंभ हैं। तो थ्री का थ्री के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, नाइन। उसके बाद प्लस लगाएंगे, इस रो का दूसरा एलिमेंट टू है और इस स्तंभ का दूसरा एलिमेंट फाइव है, तो फाइव का टू के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, टू माइनस एट माइनस सिक्स मिलेगा, सिक्स और ट्वेंटी आपको मिलेगा ट्वेंटी सिक्स, थ्री और माइनस प्लस माइनस माइनस यानी थ्री माइनस फोर यानी माइनस वन, नाइन और टेन आपका हो जाएगा नाइनटीन। तो इस तरीके से हमें दो आव्यूहों का गुणनफल निकालना है, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई निकालना है। इसी प्रकार अगले पार्ट में आपसे बोला जा रहा है बी का ए के साथ गुणनफल दिखाइए, तब आपको कुछ नहीं करना है, इस आव्यूह को आगे रख देना और इस आव्यूह को पीछे रख देना है, और उसके बाद इसी तरीके से आपको गुणनफल निकाल लेना है। अगले पार्ट को आप उम्मीद है कि सॉल्व कर लोगे, अगर ये बात थोड़ा सा कम समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना, अभी पूरा क्वेश्चन ही गुणनफल पर आधारित है आपकी प्रश्नावली में, उस पर मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और बताऊंगा गुणनफल के, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारे पार्ट आप स्वयं सॉल्व करोगे, इतने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। तो प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी हल कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले पार्ट में जो आव्यूह दिए गए हैं वो दोनों दो क्रॉस दो ऑर्डर के हैं, तो उनको जोड़ा जा सकता है आपस में, आराम से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पार्ट में भी दो क्रॉस दो ऑर्डर के आव्यूह, उनको भी जोड़ घटा सकते हो। इसी प्रकार तीसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें तीन क्रॉस तीन ऑर्डर के आव्यूह दिए गए हैं, काम वही करना है, लेकिन इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, और चौथा पार्ट भी आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। चौथे पार्ट में कॉस स्क्वायर एक्स में जब साइन स्क्वायर एक्स जोड़ोगे तो एक समीक्षा बन जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू आपने क्लास टेंथ में वन पढ़ी है, तो उसके स्थान पर वन रख देना बस जोड़ने के पश्चात, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर थ्री को हम सॉल्व करते हैं, बाकी इधर हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। पार्ट नंबर थ्री मैं सॉल्व करूंगा, बाकी पार्ट आप सभी को सॉल्व करना है घर पर भाई, मेहनत आप लोग करना जो है स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर आप कम से कम दो से तीन घंटे मैथ जरूर लगाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तीसरे पार्ट में दो आव्यूह आपको दिए गए हैं, पहले आव्यूह में दिया गया है माइनस वन फोर सिक्स और माइनस का सिक्स है, और दिया गया है एट फाइव सिक्सटीन टू एट फाइव। इस आव्यूह को हमें जोड़ना है इसी ऑर्डर के दूसरे आव्यूह के साथ, यहाँ पर ट्वेल्व सेवन सिक्स एट ज़ीरो फाइव दिया गया है और थ्री टू फोर दिया गया है। क्योंकि ये दोनों जो आव्यूह हैं ये सेम ऑर्डर के हैं, थ्री क्रॉस थ्री का ये भी, थ्री क्रॉस थ्री का ये भी, इसलिए इसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सही कर देते हैं, अब चलिए ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो आव्यूहों को ऐड कैसे किया जाता है, उनके संगत अवयवों को जोड़ करके। तो चलिए इनका अगर हम जोड़ दिखाएंगे तो एक आव्यूह बनाएंगे हम ऐसे बड़ा सा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है दूसरे आव्यूह में, इसी स्थान पर दूसरा एलिमेंट देखेंगे तो माइनस वन को जब ट्वेल्व के साथ ऐड करेंगे तो प्लस का इलेवन होगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा होगी। फोर और सेवन को ऐड करेंगे, फोर और सेवन कितना आपका हो जाएगा इलेवन। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसे करना है माइनस वन प्लस ट्वेल्व, उसके बाद फोर को आपको सेवन के साथ ऐड करना है, इसी प्रकार माइनस सिक्स को प्लस सिक्स के साथ ऐड करना है, यहाँ पर एट, यहाँ पर एट, एट प्लस एट करना है, फाइव प्लस ज़ीरो, ये फाइव प्लस ज़ीरो हो जाएगा, सिक्सटीन प्लस फाइव आपका हो जाएगा, टू प्लस थ्री आपका हो जाएगा, एट प्लस टू आपका हो जाएगा, फाइव प्लस फोर आपका हो जाएगा। और जब ऐड करोगे तो तीसरे स्टेप में आप लिखोगे इलेवन, सॉल्व करने पर इलेवन ज़ीरो, यहाँ पर देखिए सिक्सटीन, यहाँ पर फाइव, यहाँ पर ट्वेंटी वन, यहाँ पर फाइव, एट और टू टेन और फाइव फोर नाइन। इस तरीके से दो आव्यूहों का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो है आव्यूहों का योग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अंतर करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, आप घटा देना।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। क्या दिखाना है? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल दिखाना है। चलिए एक पार्ट में फिलहाल और सॉल्व कर देता हूँ, तो आज की प्रश्नावली में आपके तीन क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको एक क्लास में बता दूँ। ठीक है, लेकिन अब आप लोग क्या करते हो, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करते हो, तो मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है क्लास को समाप्त करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, आपको जो नीचे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका गुणनफल आपको परिकलित करना है, नहीं ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट तो आप सभी लोग कर लोगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया है। दूसरे पार्ट को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरे पार्ट को मैं बता रहा हूँ। दूसरे पार्ट में देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर एक आपका स्तंभ आव्यूह दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें एक पंक्ति आव्यूह से 2, 3, 4। पहले देखेंगे क्या इन दोनों का गुणनफल संभव है। तो जी हाँ, बिल्कुल इनका गुणनफल संभव है। क्यों? क्योंकि पहले आव्यूह में हमें क्या देखना होता है, स्तंभों की संख्या, तो एक स्तंभ है। और दूसरे आव्यूह में हमें क्या देखना होता है, पंक्तियों की संख्या, तो एक पंक्ति है। यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः इनका गुणनफल क्या है, संभव है। अब चलिए गुणनफल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले आव्यूह में आपको ऐसे तीर बनानी है और दूसरे आव्यूह में ऐसे। तो यहाँ पर एक आव्यूह बनाएंगे, इस रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से बारी बारी से हमें करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। चलिए छोड़िए, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 का 3 से 3, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4, यानी पहले रो का तीनों कॉलम से हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो पर आ जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 से 2 टू जा 4, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से 2, 3 जा 6। अब नीचे नहीं है तो इसलिए एक ही अंक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, फिर जोड़ने वाला कोई काम ही नहीं। 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। इसी प्रकार हम तीसरी रो पर आएंगे, तीसरी रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 3, 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और 3, 4 जा कितना आपका हो जाएगा, 12। इस तरीके से दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए एक आधा पार्ट और देख लेते हैं, जिससे आप लोग इसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे आप सॉल्व कर सको। तो एक बढ़िया अच्छा सा पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगातार सॉल्व कराना वही मेथड, ठीक है, बोर आप भी हो जाओगे हम भी हो जाएंगे। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी उम्मीद है ऐसा मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो 2, 1, 3, 2, -1, 1 है ना, और दूसरा आव्यूह आपको दिया गया है 1, 0, 1, -1, 2, 1। ये आव्यूह, इन दोनों आव्यूहों का हमें गुणनफल दिखाना है। तो कंडीशन क्या है कि आव्यूह ए में जो स्तंभों की संख्या है 2 है, वो आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आव्यूह बी में पंक्तियाँ कितनी हैं, 2 हैं। इसका मतलब इस आव्यूह का इस आव्यूह के साथ गुणनफल संभव है। तो चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम एक आव्यूह बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पहले आव्यूह में ऐसे तीर बनाएंगे और दूसरे आव्यूह में ऐसे तीर बनाएंगे स्तंभों पर। तो इस पहली पंक्ति का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, 2, 1 जा 2, फिर दूसरे एलिमेंट का इस दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1, 1 जा 1, या माइनस का यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस का गुणा आपका -1 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति का हम इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 1, 2 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे, 2, 1 जा कितना हो जाएगा, 2, 1, 1 जा कितना आपका हो जाएगा, प्लस का 1। बात को समझ आ रही है हमारी? इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति पर आ जाएंगे और बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 1 जा कितना हो जाएगा, 3, 2, -1 आपका हो जाएगा -2, फिर 3, 0, 0, 2, 2 जा आपका 4 हो जाएगा, 3, 1 जा 3 हो जाएगा, 2, 1 जा 2 आपका हो जाएगा, यानी 3+ आपका 2 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे तीसरी पंक्ति पर और तीनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -1, 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 होगा, ठीक है, तो -1 हो गया, -1, 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 2 का मल्टीप्लाई प्लस का 2 होगा, -1, 1 का मल्टीप्लाई -1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई प्लस का 1।
तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस, यही इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 और माइनस 1 1 बचेगा, ये आपका 2 बचेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 3 2 आपका 5 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ये इन दोनों अव्ययों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो अब आप क्या करना, इस क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं आप सभी लोग ऐसे ही सॉल्व करना, अगर कोई पार्ट आपसे रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।